नमस्कार साथियों, शुभम एकेडमी के एजुकेशन चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही रोचक जानकारी और वो है उन्नति कार्ड। साथियों, डिजिटल डिवाइस के साथ में डिजिटल इंडिया और उस डिजिटल इंडिया के अंदर डिजिटल कार्ड की हम बात कर रहे हैं। SBI ने अपने सभी ग्राहकों के लिए उन्नति कार्ड लॉन्च किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जानकारी के अभाव में बहुत सारे यूजर्स नहीं जुड़ पाए, इसका फ़ायदा नहीं ले पाए। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी यूजबिलिटी बताना चाहते हैं और इसके फ़ायदे की ओर हम देखते हैं कि कितने इसके क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ताकि अधिक से अधिक यूज़र इसका यूज़ कर सके और उसका फ़ायदा ले सकें। उन्नति कार्ड एक्चुअली में एक क्रेडिट कार्ड है। अभी तक जो लोग क्रेडिट कार्ड की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा होने के कारण, कहीं ना कहीं उसको मेंटेनेंस होने के कारण उसको नहीं बनवा पाते हैं, उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्नति कार्ड की कई विशेषताएँ हैं, उनमें सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जिनका जीरो बैलेंस का अकाउंट है वो भी इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी ये कार्ड को बनवा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 4 साल के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। मैं तो यूँ कहूँगा कि आने वाले समय के लिए भी निःशुल्क है। अब वो क्यों है उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन प्रारंभिक के जो 4 साल हैं वहाँ तक आपको 1 रुपया भी इसका पे नहीं करना है। इसके साथ ही साथ अब इसमें करना क्या होगा उसकी ओर हम देख लें। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके लिए हमारे अकाउंट में 25,000 का FD होना चाहिए। यदि नहीं है और हमारे अकाउंट में 25,000 रुपये हैं, या फिर हम अरेंज करके कहीं से अपने अकाउंट में डाल देते हैं और हम FD बनवा लेते हैं, तो हम इस कार्ड को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। यानी मेन पॉइंट इसका है कि हमारे अकाउंट में 25,000 रुपये का FD मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना करवा सकते हैं, मिनिमम 25,000 का FD होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट। इसके बाद इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी नज़दीकी शाखा में जाकर के इसका आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है वो ले करके फिल कर दिए इसी वे में, जिसके लिए 2 पासपोर्ट फ़ोटो, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट, सिंपली डॉक्यूमेंट जो इजीली तौर पर हमारे पास होते हैं, या कहीं ना कहीं पैन कार्ड नहीं भी होगा चल जाएगा, वो ले जा करके आप जमा कर दीजिए। इसके बाद इस कार्ड को इशू करवा सकते हैं। अब इसकी विशेषता की ओर हम जाते हैं, तो कुछ विशेषताएँ हम देखते हैं, क्या क्या विशेषताएँ। आसानी से बनवाया जा सकता है उन्नति कार्ड, पहली विशेषता तो यही हो गई है हमारी। इसके बाद इस कार्ड की सालाना फीस 499 रुपये होगी, लेकिन बैंक पहले 4 साल में इसका कोई चार्ज नहीं वसूलेगा, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा और भी इसके फायदे हैं। प्रति 100 रुपये के खर्च पर कार्ड यूजर को 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। आप वर्तमान समय खासतौर पर इस बात को इसलिए दिया गया ताकि हम डिजिटल पेमेंट की ओर मूव करें, डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करें, ताकि कैश की समस्या नहीं हो, कैश लेस हो जाएं। इसके लिए तो ये पॉइंट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन पॉइंट का रिवॉर्ड पॉइंट इस प्रकार के पॉइंट होते हैं कि बाद में आप उस पॉइंट को मिला करके चाहें तो आप लास्ट का जो पेमेंट आता है उसका बिल भुगतान कर सकते हैं, मोबाइल बैलेंस डाल सकते हैं, कुछ चीज़ आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने अभी तक 750 रिवॉर्ड पॉइंट में प्राप्त कर चुका हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा ही मान के चलिए, और उनके माध्यम से मैं अपने मोबाइल वगैरह, बिजली बिल वगैरह रिचार्ज कर चुका हूँ। चलिए और भी इसके फ़ायदे हैं वो हम देख लेते हैं। अगला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है
एक साल के भीतर 50,000 रुपये से अधिक खर्च करने पर 500 रुपये कैशबैक मिलेगा। यदि हम उस कार्ड के माध्यम से 50,000 तक की शॉपिंग कर लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स में, एक साल में दोस्तों यदि अच्छा खासा तगड़ा बिल आता है तो मुझे तो विश्वास है कि काफ़ी कुछ उसमें 10-20 हज़ार का तो मान के चलिए कि इतना तो हमारा व्यय हो ही जाता है। और अन्य चीज़ें हम परचेज करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी 50,000 रुपये हो जाएगा, तो उसका 500 रुपये हमें कैशबैक मिल जाएगा। यानी कि अगले जो ईयर का जो 499 रुपये लग रहा है वो भी बैंकर ने आपको दे दिया, पहले ही दे चुका है, पहले ही मिल गया हमें, तो यानी अगले सेशन में वो फ्री भी हो गया, जो मैंने बात आपको पहले बताई थी कि हमारे लिए तो वो फ्री है, तो वो इस प्रकार से फ्री है। साथ ही साथ कुछ रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिल गए हैं। यदि हम उनका सबका बैलेंस मेंशन करते हैं तो मान के चलिए कार्ड फ्री हो जाएगा, जबकि हमारे जो एटीएम कार्ड्स आते हैं उनका सालाना मेंटेनेंस चार्ज लगता है 100 से 150 रुपये के समथिंग, जो भी लगता हो वो प्रति ईयर हम दे ही रहे हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि जो पहले के कार्ड हमारे चल रहे हैं यदि उनका पेमेंट लग रहा है तो हम उसको जमा करवा सकते हैं, ताकि उसका पेमेंट लगना बंद हो जाएगा और उन्नति का ही चार्ज लगेगा, तो वो प्रारंभिक ईयर में तो लग ही नहीं रहा है, तो वो बेनिफिट भी हो जाएगा कि इतने साल हमने वो पैसा बचा लिया जो आगे हमें काम आ जाएगा। आगे और भी लेकर के चलते हैं। कुरु विशेषता है, पेट्रोल पंप पर 500 रुपये से लेकर 3,000 तक की खरीदी करने पर 2.5 का आपको फ्यूल चार्ज हो उसमें भी छूट मिलेगी, ये भी एक अच्छी विशेषता है इसकी। इसके साथ ही साथ जो आपका कार्ड है उससे पैसा भी आप निकाल सकते हैं। 25,000 का यदि आपका एफडी है तो आप 50,000 तक का क्रेडिट उस पर ले सकते हैं, और उसका टाइम पीरियड भी मिल रहा है, 50 दिन का टाइम पीरियड मिल रहा है। दूसरा उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना है। हाँ साथियों, ये बात विशेष तौर पर ध्यान से सुनिए कि जो पैसा आप निकालेंगे क्रेडिट कार्ड से, उन्नति कार्ड से, उस पर जो यूज़ कर रहे हैं उसको, उसका 50 दिन के अंदर आप जमा कर देते हैं तो कोई आपको ब्याज नहीं देना। साथ ही साथ एक और उसकी सबसे बड़ी विशेषता, जो आपने एफडी करवाई है उस पर आपको ब्याज मिलेगा, यानी हमारे हाथ में दोनों हाथों में लड्डू है। हम अपना पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है उसको हम ये सोच करके एफडी में नहीं डालते क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ पे एक बेनिफिट हमें कि एफडी हमने जब करवाई तो उस पर हमें ब्याज मिल रहा है, साथ ही साथ हम कभी भी उस पैसे को निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।